हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है नेटवर्क प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है Xiaomi का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। एंड इसके बाद आपको कनेक्शन शेयरिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इस प्रकार से स्क्रॉल करना है। तब आपको यहीं पर दिखे रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से रीसेट कर देंगे। ऐसे रीसेट करने से स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आएगा। उसके बाद स्क्रीन लॉक ड्रॉ कर लेंगे एंड इसे कैंसिल करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ओके पे क्लिक कर देंगे और आपका रीसेट हो जाता है नेटवर्क। और एक नोटिफिकेशन में आगे देख सकते हैं, रीसेट करने से होता है आपको नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सही रीसेट करने से आपके फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस नेटवर्क आपका जो होता है और इसी प्रकार से रीसेट हो जाता है। और इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन को मतलब कि फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जो भी होता है नेटवर्क प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाती है रीसेट करने से। और इसके अलावा आपके फ़ोन से कुछ भी नहीं हटेगा, सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन को और मतलब कि सॉरी फ्रेंड्स, नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक ही नमस्कार।